खबर आपको दें कि नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हलफ बरदारी शुरू हो चुकी है और मुर्तजा वहाब इस वक्त हलफ उठा रहे हैं। तरक्की में इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के हर मुमकिन कोशिश करूंगा और बेहतर इंतजाम के जरिए खिदमात सर अंजाम दूंगा और साफ व शफाफ दलाइल में हिस्सेदार रहूंगा कि मैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद व जवाबित के मुताबिक ईमानदारी मौसर तरीके से अपनी सलाहियतों और इंतहाई अहलियत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करूँगा के लोकल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मैं यकीन से कहता हूँ कि लोकल काउंसिल के मामला चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दूंगा और कायदे के मुताबिक सरंजाम दूंगा और हुकूमत की पॉलिसी के मुवाफिक भरपूर अंदाज से काम करूंगा कि मैं सरकारी अहकामात पर अमल करने का पाबंद रहूंगा कि मैं किसी भी शख्स को सरकारी उमूर या ऑफिस के फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दूंगा और ना ही इससे ताल्लुक रखूंगा कि मैं माली महासिल बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक कौमी खजाने में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कौमी खजाने में गबन और गलत इस्तेमाल को रोकूंगा कि मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बात जो मेरे इल्म में मुंतखब होने की हैसियत में आई तो किसी शख्स को ना बताऊंगा ना इंकशाफ करूंगा सिवाय इसके जो मेरे फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। तो मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची का हलफ उठाया है, तकरीब हलफ बरदारी जिसमें बिलावल भुट्टो भी शरीक हैं और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस तकरीब हलफ बरदारी में शरीक हैं। मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची के ओहदे का हलफ उठाया है।